दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू बिजली कनेक्शन की। जैसा कि आपको पता है, अगर आपको न्यू बिजली कनेक्शन कराना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हाउ टू अप्लाई फॉर न्यू बिजली कनेक्शन तो फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। बने रहे, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे अपना बिजली का कनेक्शन करवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपको कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा। तो चलो पूरा डिटेल जान लेते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो अगर आप देखिए नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में कहाँ से करना है मैं बता दूंगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैंने पहले से डॉक्यूमेंट्स कुछ यहाँ पर निकाल कर रखे हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिनके नाम कनेक्शन लेना, उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो और उनका आधार कार्ड, उनका राशन कार्ड और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा इस तरीके का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये व्यक्तिगत बंद पत्र, ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। इसको भरना होगा मैं जिसका नाम, जिसके नाम से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनके पति का नाम या अगर या पिता का नाम, ग्राम पोस्ट और जहाँ पर कनेक्शन लेते हैं उनका पता, और ये फॉर्म होगा और यहाँ पर आपको भरना होगा कितने किलो वाट का आपको कनेक्शन लेना है। तो 1 किलो वाट का लेना है तो उन किलो वाट को 1000 वाट में लिखना है। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपके घर में कितनी बत्तियाँ। ये फॉर्म ऐसे भर कर आपको सिग्नेचर कर कर यहाँ पर पहले से रखना होगा। तो ये एक पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा वो डाउनलोड करना मैं बताऊंगा। और अगर ये कनेक्शन आप ग्रामीण में ले रहे हैं, गांव में, तो आपको एक वेरिफिकेशन जो ग्राम प्रधान होते हैं वहां पर आपको जो लिख कर देंगे, एक फॉर्म बना कर देंगे कि मैं नया कनेक्शन में इस गांव का निवासी हूं, मैं यहां पर बिजली का कनेक्शन कराना चाहता हूं, तो वेरीफाई करके देंगे, तो वो पत्र आपको रखना होगा। और इसके बाद अगर आप सपोज दैट शहर में कनेक्शन कराते हैं तो आपका जो प्लॉट है या कुछ भी है तो उसका रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री होती है प्लॉट का, उसका फर्स्ट पेज आपको स्कैन करके रखना है, वो आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, 3 ये हो गया, और अगर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, 4 और एक रजिस्ट्री या ग्राम प्रधान से लिखा हुआ पत्र, 5 चीजें यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो पहले से ही आप रेडी रखें, सभी चीजें मैं पहले से रेडी रखा हूं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर न्यू बिजली कनेक्शन ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर झटपट यूपी, पीछे लिखना है। तो झटपट एक वेबसाइट स्टार्ट की यूपी गवर्नमेंट ने, जैसे आप डालेंगे तो पहले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिएगा आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो लेकिन आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके नाम से आप कनेक्शन ले रहे हैं उसी का सही सही डिटेल भरें, उन्हीं का नाम, उन्हीं का डेट ऑफ बर्थ और उन्हीं के एक ईमेल आईडी बना लें, उन्हीं का मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें डालकर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो सारी चीजें मैं डाल लेता हूँ पहले से ही और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट का यहां पर जो मैंने अकाउंट क्लियर किया है ये पूरा लॉगिन आईडी बन जाएगा। देखिएगा, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मतलब कि मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दे दिया गया है, उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहां पर आपको पुनः से लॉगिन करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद का, इसके बाद आईडी पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये आपके एक अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा करंट स्टेप फर्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे लिखा है गो टू स्टेप पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू स्टेप पर तो यहाँ से आपको 8 से 10 स्टेप कम्प्लीट करने का एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 8 से 10 स्टेप सारे नहीं क्लियर करने हैं, आपको सबसे पहला स्टेप क्लियर करना है और सेकंड और थर्ड, बाद बाकी सब आपके जो एसडीओ होते हैं वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, परपज आप सप्लाई, यहाँ पे आपको चूज कर लेना है डोमेस्टिक, या बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो डोमेस्टिक घरेलू लेना है मुझे। अगर आप एक बीपीएल कार्ड धारक तो यस करें, और आपको राशन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप रिक्वायर्ड किलोवाट आपको भरना बहुत जरूरी है, 1 किलोवाट का लेना चाहते हैं 2 किलोवाट का वो आपको भर देना है। और यहाँ पर भरने के बाद अब आपको अपना यहाँ पर स्टेट चुन लेना है, कहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, और डिस्ट्रिक्ट बाद अपना सबसे पहले
डिवीजन चुनना है और फिर एप्लीकेशन एप्लीकेंट का नेम चुनना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिएगा सब कुछ मैं अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी जल्दी, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो लंबा ना हो। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ फादर भर देना है। जैसे आप यहाँ पर भरते हैं तो अब देखिएगा आप इसके बाद ऑक्यूपेशन भर देना है और इसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। अब कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना, आप जहां पर रहते हो उसका एड्रेस यहां पर डालना है। परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप सेम है तो आपको डालना है। यहां पर ना एक नीचे अलग से ऑप्शन दिया है जहां पर आपको अपना भरना है, जहां पर कनेक्शन लेना चाहते हैं वो वाला भी एड्रेस आपको डालना होगा। तो मैं कम्युनिकेशन एड्रेस डाल रहा हूं और ये मेरे दोनों सेम है, तो परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम कर दिया मैंने। और अब मुझे डालना है वो वाला एड्रेस जहां पर मैं नया कनेक्शन लेना चाहता हूं। तो चलो मैं वो वाला भी एड्रेस प्रमाइस एड्रेस जहाँ पर कनेक्शन लेना है वो सब कुछ भरना है मुझको बहुत ही आसानी से। और एक पिन कोड तथा मुझे एक मोबाइल नंबर भी देना है जिससे मुझे कांटेक्ट किया जा सके। सारी डिटेल भरने के बाद अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अपलोड करने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में आपको तीन चीजें अपलोड करनी होगी। सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है। आपको या तो रजिस्ट्री अपनी या ग्राम प्रधान से लिखा हो पत्र जो मैंने बोला उसको आपको अपलोड करना है। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ जो मैंने रजिस्ट्री का, मेरा प्लॉट है तो मैं रजिस्ट्री का पहला पेज अपलोड करूंगा। अब आईडी प्रूफ में आपको देना है अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ इनमें से कुछ एक देना है आपको, मैं वो अपलोड कर लेता हूँ। साइज को आपको याद रखना है और आधार कार्ड नंबर मैंने अपलोड किया है तो आधार कार्ड नंबर भी मुझे यहाँ पर डालना होगा, उसका फोटो अपलोड करना होगा तथा आधार कार्ड नंबर भी डालना होगा। अब जो फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो जब यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, फॉर्म आपको जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया तो जो भरना था ये आ जाएगा। इसको प्रिंट आउट निकाल कर भर के आपको यही वहाँ पे अपलोड करना है। तो ये फॉर्म आपको वहां से मिलेगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, तो फॉर्म डाउनलोड कर लें आप और इसके बाद भर के स्कैन करके रखें और इसके बाद फिर उसी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करते हैं आप सारी चीजें एक बार चेक कर लें पुनः से, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। आप व्यू फाइल पर क्लिक करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स देखा है वो आप देख भी सकते हैं, जो अपलोड किए वो देख भी सकते हैं। और बस अब आपको आसानी से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी और अब आपको करना होगा पेमेंट। आप इसको नोट करके रखें, फिलहाल ये मोबाइल पर आपके आ जाएगा मैसेज के द्वारा, लेकिन आप पहले से नोट करके रखें, मैं स्क्रीनशॉट लेकर रखा ले रहा हूं। और अब आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपसे अब कराने वाला है पेमेंट। चूज एनी थ्री टेंटेटिव डेट फॉर इंस्पेक्शन, मतलब वो जो जेई होते हैं वो आपके घर का मुआयना करते हैं कि आप कौन कौन से चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको तीन डेट सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर डेट दिखाएगा कि किस तारीख को जेई आपसे संपर्क करें, तो वो आप चूज कर ले तीन स्टार्टिंग की डेट, या जब भी आपको टाइम हो आपके घर आएंगे वो, तो आपको तीन चूज करना, एक नहीं दोस्तों, देखो एक यहाँ पर नहीं लेता है, आपको तीन डेट सिलेक्ट करनी। इन तीन डेट्स में आपका कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन होने वाला है। तो जैसे आप डेट्स यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अब आपको करना होगा पेमेंट। तो आप अगर बीपीएल सूची में बिलोंग करते हैं, बीपीएल कार्ड है तो आपको 10 रुपए, अगर आप एपीएल है तो 50 रुपए आपको यहाँ पर रसीद कटवानी पड़ती है। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर लेता हूँ और जैसे ऑनलाइन पेमेंट मैं अपना बैंक या जो भी है आप सिलेक्ट करें और जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका देखिएगा ये बीपीएल धारक है तो इनका 10 रुपए का स्लिप कटने वाला है और ये 10 रुपए आपको पेमेंट करवा देना है। तो मैं पेमेंट का यहाँ पर प्रोसेस हटा देता हूँ। देखिए पेमेंट हो चुका है, प्रोसेसिंग फीस। अब मुझे जो पेमेंट हुआ है मेरा, इसका जो रसीद मिला है मुझे, ट्रांजेक्शन आईडी, योर रिक्वेस्ट टू अंडर प्रोसेसिंग काइंडली विजिट फॉर 3 डेज, आपका पेमेंट भी हो गया। पेमेंट की स्लिप आपको प्रिंट करके रखनी है जो कि आपको फॉर्म के साथ लगानी है और ये आपका 3 दिन के बाद आपको सारे फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए। और आपको एक बिजली घर में फॉर्म मिलता है उसको भी भरकर आपको अपने नज़दीकी बिजली घर में जमा करना होता है। ये मेरा पेमेंट का स्लिप है, मैं इसको प्रिंट करके रखता हूँ क्योंकि फॉर्म और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सभी आपको सबमिट करने होते हैं अपने नज़दीकी बिजली घर में जहाँ से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो और साथ में ये पेमेंट की फीस भी, इसके 3 दिन के बाद आपका कनेक्शन, आपका वेरिफिकेशन होता है और आपका कनेक्शन कर दिया जाता है। तो ये पूरा फुल प्रोसेस था हाउ टू अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन, क्योंकि ये नया मेथड है दोस्तों। अभी तक शायद पुराने मेथड थे जो आपने बिजली कनेक्शन के लिए देखे होंगे, यूपी सरकार जो करवाती थी, अभी नया मेथड है। और ये सारे स्टेप आपको आगे नहीं भरने हैं, ये सब भरेंगे आपके एचडीओ साहब। बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपना जो फीस का स्लिप है ले जाकर अपने नज़दीकी अपने
जो डिवीजन आपका पड़ता है, बिंदीघर पड़ता है, वहां पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।